पहले आलू को आप धो लीजिए। धोने के बाद आप लेंगे पीलर। अगर आप आलू फलियां कैसे बनाई जाएं, मैंने फलियां काटने भी सिखाई हैं, ओके। आलू छीलना मैं आपको सिखा रहा हूँ, फलियां काट कैसे काटी जाती हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से और आई बटन से देख सकते हैं फलियां किस तरह से काटी जाती हैं। इसको आपने इस तरह से पकड़ना है, मैं आपको सिखा दूँ कि आपने नाइफ को अपने राइट हैंड में मैंने पकड़ा है और इसको मैंने यहाँ से इस आलू को पकड़ा है और इसको इस तरह से मैंने ऐसे करते हुए इसको इस तरह से ऐसे छीला है, ओके। छीलने का तरीका है फ्रेंड्स, इसको आपने इस तरह से पकड़ा ऐसे अंगूठे से, ध्यान रखिए अंगूठा मत छील लीजिएगा। इसको इस तरह से हमने ऐसे मारते जाइए और इसको छीलते जाइए, ओके। अच्छी तरह से हमने आलू का छिलका उतार लेना है और पीलर का जो ये पॉइंट होता है इससे हमने इसके जो अंदर ये आलू का छिलका इस तरह से इसको हमने इस तरह से निकाल लेना है, जैसे आपके सामने ये आलू का छिलका मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया। इस तरह से हमने अपने आलू को छील लिया है, इसको आप एक बार वाटर में धो लीजिए। मैं इसके अंदर अब आरओ का पानी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ऊपर से आरओ को खोल दिया है, तो मैंने एक बार वॉश कर लिया, धो लिया और हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह से आप आलू के छिलके को कुछ कर लीजिए, नाइफ आपको चाहिए कटिंग वाला, तो अब आपने इस तरह से कटा, ओके। इस तरह से काटने के बाद इसको ऐसे रख दिया, अब इसको ऐसे काटना है। इस तरह से हो गए इसके छोटे छोटे टुकड़े। अगर आप चाहें तो बड़े बड़े आलू को भी काट सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया छोटे छोटे आलू काटना।